हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2018 के जनरल स्टडीज पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगी कि एपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के जनरल स्टडीज पेपर में किस तरह की क्वेश्चन पूछी जाती है। इसके अलावा आपको इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी जो आपके किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में फायदा पहुंचा सकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ, तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जनरल स्टडीज पेपर जो है इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर की जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो किस किस टॉपिक से पूछी जाती है मैं आपको बता दूं कि पूछी जाती है जनरल स्टडीज पेपर में इंडियन पॉलिटी से, पहले बात, दूसरा बात इंडियन हिस्ट्री से, उसके बाद ज्योग्राफी से, इंडियन इकोनॉमी से भी पूछा जाता है, और करंट अफेयर्स जो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा यहाँ पे एप्टीट्यूड और रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछ ली जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके हर एक स्लाइड में यहाँ पे दो पेजेस दिखाया गया है इस क्वेश्चन पेपर का। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट होके यहाँ पे क्वेश्चन सिक्स में खत्म होता है पहला पेज, और ये दूसरा पेज इस क्वेश्चन पेपर का। आगे बढ़ते हैं, या फिर ये तीसरा पेज या फिर चौथा पेज, या फिर देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके एक सारे जो क्वेश्चन है इसको नजर में से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 यहाँ पे पॉलिटिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार को नजर में से निकाल लीजिए पहले इसका सॉल्यूशन देखने से पहले। तो आप लोग देख सकते हैं सारे स्लाइड्स, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होता है 100 क्वेश्चंस। तो चलिए आप देख लेते हैं इसका सॉल्यूशंस एंड एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे पंचतंत्र के बारे में पूछा गया है। तो पूछा गया है कि पंचतंत्र स्टोरी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, तो हॉर्नबिल कहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है। हमको पता है कि यह नागालैंड में सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर जगह का नाम पूछा गया है, तो ये किसामा एक जगह है नागालैंड में, वहां पे सेलिब्रेट की जाती है हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 to 10 December तक। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है ग्वेरनिका के बारे में। ये एक पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग जो 1937 में बहुत फेमस हुआ था। तो ये किसके द्वारा की गई थी, यह किया गया था पाब्लो पिकासो के द्वारा। यहाँ पे पूछा गया है लाई हरोबा फेस्टिवल के बारे में। ये लाई हरोबा जो फेस्टिवल है ये एक मणिपुर का फेस्टिवल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है भारत में सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे भारत में जो स्थित है वो तवांग में, तवांग में जो स्थित है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वो भारत का सबसे बड़ा है और दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया है इमा खैठल के बारे में। ये इमा खैठल जो है क्या है, तो इमा खैठल जो है एक ऑल वुमेन मार्केट है जो मणिपुर में स्थित है। तो नीचे आप लोग इसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है पहला रिसिपिएंट ज्ञानपीठ अवार्ड इन लिटरेचर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है गिरीश कर्नाड। यहाँ पे पूछा गया है चेराव डांस के बारे में, तो चेराव डांस जो है कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, ये की जाती है मिजोरम में, ये मिजोरम का एक डांस है चेराव। यहाँ पे पूछा गया है थेरोकुट्टू के बारे में, एक एक तरह का ये आर्ट फॉर्म है, तो ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु नंबर ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया है एक किताब के बारे में, किताब का नाम है वी द पीपल, तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखा गया है ननी फल्कीवाला के द्वारा। यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट रिसिपियन ऑफ द साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश लिटरेचर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आर के नारायण। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा जो नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा जो है पोएटिक ट्रेडिशन में नहीं आता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पूछा गया है रेनेसांस के बारे में, रेनेसांस जो है कौन सा देश का वर्ड है, तो ये एक फ्रेंच वर्ड है रेनेसांस। रूप
यहाँ पे वैसे एक नोवेल का नाम दिया गया है रूम ऑन द रूफ, ठीक है ना, रूम ऑन द रूफ। ये जो नोवेल है, ये किताब जो है किसके द्वारा लिखा गया है, या लिखा गया है रास्किन बॉन्ड के द्वारा। यहाँ पे पूछा गया है नामागोसा के बारे में। नामागोसा जो माधव खंडेली के द्वारा लिखा गया था, तो इस नामागोसा में कितना गोसास होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है 1000। यहाँ पे पूछा गया अंकियानाथ के बारे में, जो शंकर देवा के द्वारा लिखा गया था अंकियानाथ, तो वो अंकियानाथ को किस भाषा में कंपोज की गई थी, वो कंपोज की गई या किया गया है ब्रजवली एक लैंग्वेज में। यहाँ पे पूछा गया है अंकियानाथ के बारे में ही, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट अंकियानाथ रिटन बाय शंकर देवा, जो पहला अंकियानाथ शंकर देव के द्वारा लिखा गया था वो कौन सा है। यहाँ पे है करेक्ट आंसर चिन्ह यात्रा। यहाँ पे पूछा गया है फादर ऑफ एसएमएस प्रोस किसको कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है भट्टदेवा। भट्टदेवा के बारे में आप लोग यहाँ पे ज्यादा पढ़ सकते हैं नीचे। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सेंचुरी में जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ था चरित पुठी का, तो ये हुआ था 17th सेंचुरी में। यहाँ पे पूछा गया है एक बुरंजी के बारे में, जिसको रत्नकुंडली और अर्जुन दास बैरागी के द्वारा लिखा गया है, वो है त्रिपुरा बुरंजी। यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट एडिटर ऑफ जुनाकी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है चंद्र कुमार अग्रवाला। इनके बारे में आप लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं नीचे जुनाकी के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है अस्तरक एक नोबेल के बारे में, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है होमन बोरगोहाई के बारे में के द्वारा। यहाँ पे होमन बोरगोहाई के बारे में आप लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं नीचे। आहर एक एसएमएस ड्रामा है, तो ये किस तरह का ड्रामा है, ये एक एब्जर्ड ड्रामा है। यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ द असम वैली लिटरेरी अवार्ड, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है भवेंद्रनाथ होइकिया। यहाँ पे पूछा गया है एक एसएमएस जो कि पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है उनको 2018 में, वो कौन है, वो है अरूप कुमार दत्तो। यहाँ पे आप पॉलिटिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो पहला क्वेश्चन है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, तो राइट टू इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आता है, तो राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 टू 18 में आता है। और आपको बता दूं कि आर्टिकल 19 टू 22 जो है राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होता है उसको किसके द्वारा अपॉइंट की जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है गवर्नर, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट की जाती है डिस्ट्रिक्ट जजेस को। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में थोड़ा पूछा गया है, तो इन पॉलिटिकल पार्टी में से कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को पहले फॉर्म की गई थी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है शिरोमणि अकाली दल। तो शिरोमणि अकाली दल को फॉर्म की गई थी 14th ऑफ दिसंबर 1920 को, और बाकी का जो फॉर्मेशन डेट है यहाँ पे देख सकते हैं, डीएमके का, एआईडीएमके का और एजीपी का, यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं 1985 में वो जिसका स्थापना की गई थी, एजीपी का मतलब फॉर्मेशन की गई थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया है पंचायती राज सिस्टम के बारे में, तो बोला जा रहा है कि नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा फीचर जो है पंचायती राज सिस्टम का फीचर नहीं है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में है थ्री टायर स्ट्रक्चर डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा में, और तीसरे ऑप्शन में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो सारे के सारे जो ए बी एंड सी है वो पंचायती राज का वो फीचर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है नन ऑफ द एवोव, मतलब नन ऑफ द एवोव है यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं ये पंचायती राज के बारे में थोड़ा ज्यादा यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई थी। यहाँ पे पूछा गया है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, यहाँ पे पूछा गया कि ये जो है ये एक्ट जो है कब पास की गई थी,
ये की गई थी 1971 में। यहाँ पे पूछा गया है आरटीआई एक्ट के बारे में। आरटीआई एक्ट जो है मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की गई थी, तो वो किस दिन को फोर्स में आया था? तो ये आया था 12th ऑफ अक्टूबर 2005 को। यहाँ पे पूछा गया है जो ग्राम पंचायत होता है पंचायती राज सिस्टम में, वहां पे वोमेन महिला लोगों के लिए कितना सीट रिजर्वेशन होता है, कितना परसेंटेज? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 1/3। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243D के तहत ये बोला गया है कि 1/3 ऑफ द सीट्स ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड 1/3 ऑफिसेस ऑफ द चेयरपर्सन एट ऑल लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कवर्ड बाय पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे मतलब 50% रिजर्वेशन दे दिया है वुमेन्स के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ये सारे जो यहाँ पे स्टेट्स दिया गया है 19 स्टेट्स, इन स्टेट में वुमेन्स के लिए 50% रिजर्वेशन दे दिया है। तो यहाँ पे वन हाफ है, और बाकी जो स्टेट्स बचा हुआ है, यूनियन टेरिटरीज बचा हुआ है, उसमें 1/3 है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है यहाँ पे। लेकिन इन स्टेट्स में जितना भी है वहां पे 50% रिजर्वेशन दे दिया गया है अपना एक स्टेट में, मतलब अलग सा पंचायती राज का एक्ट बना के। तो हाल ही में ये जो 2018 में पंचायती राज का या पे जो आसाम में जो इलेक्शन हुआ था उसमें 50% रिजर्व था सीट्स वुमेन्स के लिए। ये खुद स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने बोला था आसाम का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। हालांकि यहाँ पे सवाल में डायरेक्टली ये नहीं बोला कि प्रेसिडेंट रूल कौन सा आर्टिकल में आता है, यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा आर्टिकल जो है, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल में बोला गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द अथॉरिटी टू इम्पोज सेंट्रल रूल इफ देयर हैज बीन फेलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। कोई एक स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाता है तो सेंटर के हाथ में एक पावर होता है सेंट्रल रूल लगाने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट में, किसी भी स्टेट में, तो वो कौन सा आर्टिकल में आता है? तो ये सीधा सीधा नहीं पूछा। अगर सीधा पूछते तो सीधा बोल लेते कि प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के तहत आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 356, आर्टिकल 356। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल 356 के बारे में, आर्टिकल 256 के बारे में, आर्टिकल 2 के बारे में, आर्टिकल 3 के बारे में आप लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ पे पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्लियामेंट्री बिकॉज, पार्लियामेंट्री हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन है क्यों है? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इसी कारण हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो इसके बारे में आप लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं नीचे। यहाँ पे पूछा गया है राइट टू एजुकेशन के बारे में। तो राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, कौन सा आर्टिकल की तहत? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आर्टिकल 21A। तो यहाँ पे पूछा गया है शेड्यूल के बारे में। तो कौन से शेड्यूल में ये लिखा गया है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 6th शेड्यूल। यहाँ पे आप लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल और 8th शेड्यूल के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से मिनिस्टर्स इंक्लूड होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे जो है कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इसको हालांकि स्टेट मिनिस्टर नहीं कहा जाता है लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हालांकि ज्यादातर बोला जाता है। तो यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर बोला गया है, फिर भी यहाँ पे समझाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर, ये तीन तरह के मिनिस्टर होते हैं। तो सब
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड होती है। यहाँ पे पूछा गया है विच वन वॉज नॉट द प्रिंसिपल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट इन द 17th सेंचुरी इंडियन ट्रेड। तो 17th सेंचुरी इंडियन ट्रेड में कौन सा जो है एक प्रिंसिपल आइटम नहीं था एक्सपोर्ट का भारत से, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आइवोरी। आइवोरी जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, करते थे ना कि हम एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया है होम रूल लीग के बारे में। होम रूल लीग जो सितंबर 1916 में बनाया गया था, फाउंड की गई थी, तो वो किसके द्वारा किया गया था। तो यह पर करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे पूछा गया है गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, तो वो कौन से साल में, किस साल में ये साइन की गई थी। ये साइन की गई थी 1931 को। ये इसको दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। इसको साइन किया गया था गांधी और इरविन के बीच में। यहाँ पे पूछा गया हयुंगथाल कॉपर प्लेट के बारे में। हयुंगथाल कॉपर प्लेट जो है किसकी द्वारा इश्यू की गई थी। ये किया गया था हर्जर वर्मन के द्वारा। यहाँ पे पूछा गया पाला डायनेस्टी के बारे में। फाउंडर पाला डायनेस्टी का वो था ब्रह्मपाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। कौन से देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। ये कहा जाता है नॉर्वे को। यहाँ पे पूछा गया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है कितना माइल्स के अंदर आता है। अगर मान लो कि एक सागर है तो इसके अंदर अगर भारत है तो इससे भारत का जो मेनलैंड है उससे कितना माइल्स तक भारत का एक जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बल्कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक मेनलैंड से वो किसी भी देश के अंडर में आता है, वो उसी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 200 नॉटिकल माइल्स। यहाँ पे पूछा गया है जो कि रिवर के बारे में। कौन सा रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में जाके नहीं गिरती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है माही। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं और दूसरे रिवर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग, सुबर्णा रेखा के बारे में, पिन्ना रिवर के बारे में और बाइगी रिवर के बारे में भी। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे डेंस पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट मिला था 2011 सेंसस में, वो है धुबरी। यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट का आप लोग देख सकते हैं पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, डेंसिटी वगैरह। तो यहाँ पे जैसे कि 896 है डेंसिटी धुबरी का और नौगांव का 711। और आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस नौगांव में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाया गया था, लेकिन डेंसिटी जो है धुबरी में सबसे ज्यादा। तो देख लेते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है बोर्नोडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे पूछा गया है आपाटानी ट्राइब के बारे में। आपाटानी ट्राइब है जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है। तो आपाटानी ट्राइब के द्वारा कौन सा नीचे दिया गया सिस्टम में से कौन सा सिस्टम को वो लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है पेडिकम फिश कल्चर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा जो थर्मल पावर प्लांट है उसको मैनेज किया जाता है निपको के द्वारा। मतलब निपको का कंपनी कौन सा है, निपको का कौन सा थर्मल पावर प्लांट है नीचे दिया गया ऑप्शन में से। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है कठलगुरी थर्मल पावर स्टेशन। यहाँ पे आप लोग इसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो है नीचे दिया गया सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में से कौन सा जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, मेजर कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल इनकम। कौन सा जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है नेशनल इनकम में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है एग्रीकल्चर। यहाँ पे पूछा गया है किताब और ऑथर के बारे में। तो एक तरफ दिया गया है किताबों का नाम और एक तरफ इस तरफ दिया गया है राइटर्स मतलब ऑथर्स के नाम।
तो यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन में आपको बता दूं कि एक भी अगर आपको पता चल जाए ना राइटर के नाम किसी भी एक किताब का, तो ये पूरा सॉल्यूशन किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे जो बी है, नंबर बी है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किताब को लिखा गया था दादा भाई नौरोजी। ये किताब बहुत कॉमन, बहुत बार पूछा जाता है। तो इस किताब का नाम भी अगर जान लो तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि देखिए बी का जो वन से ही मैच हो रहा है। तो ये सारे जो कोड है इनमें से सिर्फ एक ही जो कोड है उसमें बी एंड बी वन दिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ये बी वन। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी ऑप्शंस में यहाँ पे बी वन नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है जमींदारी सिस्टम के बारे में, तो कौन से जगह पे जमींदारी सिस्टम पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये किया गया था बंगाल में। इसके बारे में आप लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस की गई थी, कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। तो यहाँ पे पूछा गया है जीडीपी के बारे में, भारत का जो इंडियन इकोनॉमी है तो वर्ल्ड में हमारा कौन से रैंक में आता है, वो आता है हमारा इकोनॉमी सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रैंकिंग ये 2017 के हिसाब से है। यहाँ पे पहले में यूनाइटेड स्टेट, दूसरे में चाइना, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और छठा मतलब सिक्स्थ पोजिशन में इंडिया आता है। यहाँ पे फाइव ईयर प्लान के बारे में पूछा गया है, द सेकेंड फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया एडवोकेटेड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन, तो सेकेंड फाइव ईयर प्लान जो भारत का था वो किसमें ज्यादा फोकस किया था, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में किया था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है हैवी इंडस्ट्रीज। तो फिर से यहाँ पे फाइव ईयर प्लान के बारे में पूछा गया है, तो पूछा गया कि द एग्रीगेट ग्रोथ मॉडल फॉलोड बाय फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इन इंडिया वॉज द ग्रोथ मॉडल डेवलप्ड बाय, जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था उसका जो ग्रोथ मॉडल था ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है हैरोल्ड डॉमर। यहाँ पे फिर से फाइव ईयर प्लान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये यहाँ पे बोला गया कि फाइव ईयर प्लान का कौन सा, यहाँ पे नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है फाइव ईयर प्लान का कभी भी मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है टू रिड्यूस इमिग्रेशन। जो फाइव ईयर प्लान यहाँ पे भारत में बनाया गया था तो कभी भी इसका जो ऑब्जेक्टिव है फाइव ईयर प्लान का ये टू रिड्यूस इमिग्रेशन नहीं था कभी भी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे एक तरफ नाम दिया गया है व्यक्ति का नाम और इस तरफ उन लोगों का जो पोजीशन या पोस्ट, आप लोग बोल सकते हैं कौन कौन से पोजीशन किस ऑर्गेनाइजेशन में है, इसका मैच करने के लिए दिया गया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि उर्जित पटेल गवर्नर ऑफ आरबीआई था शक्तिकांत दास आने से पहले, अब जो है इसके बाद अर्जित पटेल के बाद शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ आरबीआई बनाया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ए का टू, और रजनीश कुमार जो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ एसबीआई था, तो यहाँ पे विवेक देवरॉय जो है ये चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, तो यहाँ पे जो मैचिंग किया गया है तो ए का हो जाता है टू, ए का जैसे कि टू यहाँ पे दोनों में है, दोनों का ए में टू है, रजनीश कुमार डी में वन है, दोनों में या दोनों में डी वन है, और सी अगर देखें तो सी फोर में आता है, तो सी फोर कौन सा ऑप्शन में है, सी फोर जो है सी फोर विवेक देवरॉय जो है, विवेक देवरॉय जो है सी फोर है, तो मतलब चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजर, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। और बिरल आचार्य जो है मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो बी थ्री है, यहाँ पे बी थ्री है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे पूछा गया है कि एक ये चारों में से एक जो ऑट है मतलब दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट है मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे दिया गया जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे मिलता जुलता नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जितना भी ऑप्शन ए बी और सी है ये रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन से, और ऑप्शन डी जो है रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ पे फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है योजना के बारे में, योजना का नाम दिया गया है और योजना का जो यहाँ पे दिया गया है मतलब
रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसका ज्यादा जो फुल फॉर्म है PMMY का, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था वो जो है वो है एक कनेक्टिविटी के बारे में, और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये एक हाउसिंग फैसिलिटी देने के लिए बात की जा रही थी। तो सी यहाँ पे हो गया C4, यहाँ पे तो C4 देख लेते हैं कहाँ पे है C4, तो यहाँ पे भी C4 है, यहाँ पे भी C4 है, तो ये भी करेक्ट हो सकता है। और डी का देख लेते हैं D3 कहाँ पे है, D3 यहाँ पे है, तो C4 और D3 रहने वाला किसी भी ऑप्शन में नहीं है सेवा ऑप्शन बी के, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसके अकॉर्डिंगली PMMY जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है A2 में आता है, तो ये एक फंडिंग का स्कीम है। और प्रधानमंत्री ये जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो बी है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, तो B1, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया है नेशनल अकाउंट के बारे में। तो जो नेशनल अकाउंट्स होता है जो GDP को भी इंक्लूड करता है, तो वो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, वो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, तो नेशनल अकाउंट्स डिवीजन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये प्रिपेयर की जाती है नेशनल अकाउंट्स जो इंक्लूड करती है GDP को भी भारत का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है कि करेक्ट है। अमिताभ कंत जो है 2018 में, मैं बात कर रहा हूं तो 2018 में ये CEO नीति आयोग के अभी है 2018 में। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से मैच करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे एक तरफ दिया गया है योजना के बारे में, दूसरे योजना के नाम, और यहाँ पे प्रमुख इसका जो ऑब्जेक्टिव है दूसरे तरफ लिस्ट बी में दिया गया है। तो आपको जैसे कि पता है सौभाग्य योजना जो है एक इलेक्ट्रिफिकेशन का जो योजना है, यूनिवर्सल हाउस इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो ए का हो जाता है 2। और उज्वाला योजना जो है एक फ्री LPG प्रोवाइड करने के लिए बात किया जा रहा था। और भारतमाला जो है अम्ब्रेला एक स्कीम है हाईवे बनाने के लिए। और उड़ान जिसको हम पता है पूरे देश का आम नागरिक, तो यहाँ पे क्या हो गया ए हो गया 2, बी हो गया 1, ए हो गया 2 ये वाला, और बी हुआ 1, और यहाँ पे सी हो गया 4 और डी हो गया यहाँ पे 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे फिर से 2011 सेंसस के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा स्टेट जो है यहाँ पे नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हुआ था 2011 सेंसस में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा टैक्स जो है, यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। इन इंडिया एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बॉट एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज कॉल्ड, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे पूछा गया है 5-year प्लान के बारे में, हु यूज टू गिव द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान्स इन इंडिया, जो भारत में 5-year प्लान्स बनाया जाता था तो उसको फाइनल अप्रूवल कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दिया करता था, वो दिया करता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यहाँ पे 12-5-year प्लान के बारे में पूछा गया है, तो 12-5-year प्लान कौन से साल तक वो था इसका टाइम पीरियड, तो ये था 2012-2017। यहाँ पे पूछा गया है डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो कि गुलजरल नंदा जो है पहला डिप्यूटी जो हमारा फर्स्ट 5-year प्लान का रह चुका। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो कि गुलजारीलाल नंदा जो कि
फर्स्ट 5 ईयर प्लान का डिप्यूटी चेयरपर्सन रह चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नीति आयोग का जो 3 ईयर एक्शन एजेंडा के बारे में पूछा गया है, तो 3 ईयर एक्शन एजेंडा जो है कौन से पीरियड में यहाँ पे है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर सी। ये एक्सटेंड होता है 2017-18 से 2019-20 तक। यहाँ पे पूछा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, तो यहाँ पे पूछा गया नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है कंपोनेंट नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, जो कोऑर्डिनेटेड की गई है नीति आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में यहाँ पे आप लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं, सब यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। हमारा टोटल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो 17 है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नो प्रॉपर्टी इंक्लूड है, और यहाँ पे जीरो हंगर इंक्लूड है जो क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पे लाइफ बिलो वाटर ये भी इंक्लूड है, सेवा यहाँ पे जो बोला गया था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है 5 ईयर प्लान, जो कौन सा 5 ईयर प्लान में ग्रीन रिवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, तो करेक्ट आंसर हो जाता है थर्ड फाइव ईयर प्लान में ग्रीन रिवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो रीजनिंग यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग, अगर लाइट को मॉर्निंग कहा जाता है, मॉर्निंग इज कॉल्ड डार्क, डार्क इज कॉल्ड नाइट, नाइट इज कॉल्ड सनशाइन and sunshine is called dust, then when do we sleep? अगर ये conditions बोला जाता है तो कौन से समय पे हम सोता है, यहाँ पे correct answer हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं solution, हमको पता है कि हम सोते हैं night में, तो यहाँ पे जो दिया गया है given that night is called sunshine, so we sleep at sunshine, so तो हमको पता है कि night को रात को हम सोते हैं, तो यहाँ पे night को क्या बोला जाता है, तो नाइट को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में नाइट को बोला जाता है सनशाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी एट सनशाइन। आसान है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है एक रीजनिंग का क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोला गया है इफ मिनरल इज रिटन एस डिस QRSTUBW एंड साउंड इज रिटन एस ABCSD देन हाउ विल रीडर विल बी रिटन इन द सेम कोड। अगर मिनरल को ऐसे बोला जाता है, साउंड को ABCSD बोला जाता है, तो रीडर को कौन से नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा रीडर के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्यूशन दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे लिए दो वर्ड्स दिया गया है, एक तो है मिनरल, एक तो है साउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिनरल में M के लिए क्या कोड है, I के लिए क्या कोड है, यहाँ पे सारा दिया गया है। M के लिए है Q, I के लिए है R, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं L के लिए W। तो सिमिलरली यहाँ पे साउंड का जो वर्ड है उसमें सारे लेटर्स का एक एक अलग अलग वर्ड दिया गया है, S के लिए A, O के लिए B, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं D के लिए यहाँ पे D है साउंड में। तो इस अकॉर्डिंग में यहाँ से अगर हम लेते हैं R के लिए क्या होगा, तो R के लिए यहाँ पे क्या होगा, E के लिए क्या होगा, यहाँ पे सारा हम लोग कोड से निकल सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे R के लिए यहाँ पे है U, तो यहाँ पे U आ गया। E के लिए क्या होता है, E के लिए यहाँ पे होता है T, तो यहाँ पे T दे दिया गया। और यहाँ पे है A, तो A क्या है, A का मतलब यहाँ पे है B, तो यहाँ पे B दे दिया। और यहाँ पे आ गया यहाँ पे D का यहाँ पे क्या कोड है, D के लिए आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं D के लिए कोड DE है, तो D आ गया। उसके बाद E आता है, तो E के लिए क्या है, यहाँ पे फिर से दिया गया E के लिए T है, तो यहाँ पे T आ गया। उसके बाद है आखिर में R, तो R के लिए हम लोग पहले देख चुका है R के लिए है U, तो यहाँ पे U है। तो क्या हो गया यहाँ पे UTBDTU, रीडर को मतलब इस कोड लैंग्वेज में बोला जाए तो रीडर को लिखा जाएगा UTBDTU, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया
ऑप्शन नंबर बी जो कि 74। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से एक एप्टीट्यूड नहीं बोल सकते, इसको रीजनिंग का क्वेश्चन ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि दिया गया क्वेश्चन, अरुण सेठ दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, हु इज अरुण टू द गर्ल। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, तो इस सॉल्यूशन में आप लोग जैसे पढ़ सकते हैं, एक मदर है जिसका बेटा अरुण है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस वाइफ जो ये वाइफ मतलब यहाँ पे गर्ल समाज आ रहा है, तो ये गर्ल और ये अरुण का रिलेशन क्या है, ये पूछा गया है सवाल में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है फादर इन लॉ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सब कुछ आसानी चल रहा है। यहाँ पे एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ। तो इफ पी इज टॉलर देन क्यू, आर इज शॉर्टर देन पी, एस इज टॉलर देन टी बट शॉर्टर देन क्यू, देन हु अमंग देम इज टॉलेस्ट। यहाँ पे पूछा गया है पी क्यू आर एस टी के बीच कौन सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे आप लोग कुछ सॉल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट में बोला गया था P इज टॉलर देन Q, इसको स्टेटमेंट वन मान लीजिए। दूसरा स्टेटमेंट में बोला गया था R इज शॉर्टर देन P, मतलब P इज टॉलर देन Q, P इज टॉलर देन R, यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाता है स्टेटमेंट नंबर टू। और तीसरा स्टेटमेंट में बोला गया था S इज टॉलर देन P बट शॉर्टर देन Q, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Q इज टॉलर देन बॉट S एंड T, मतलब Q ये S और T दोनों से टॉलर है, ये तीसरा स्टेटमेंट। तो देखा जाए अगर तो स्टेटमेंट वन, ये स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू को मिला के देखा जाए तो P सबसे टॉलर बन जाता है, Q S T से टॉलर बन जाता है स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट थ्री से अगर देखा जाए तो। अगर इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट फोर मान लेते हैं, तो अगर देखते हैं कि फ्रॉम स्टेटमेंट टू एंड फोर, मतलब ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट टू और ये स्टेटमेंट फोर से अगर देखते हैं, तो हमको देखने को मिलता है कि P सबसे टॉलर हो जाता है, किससे, Q से, R से, S से और T से सबसे टॉलर टॉलेस्ट हो जाता है P। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 77th क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा गया था कि 100 से 1000 के बीच में कौन सा कितना ऐसा डिजिट है जो जिसका पोजीशन 10th पोजीशन में 1 आता हो, है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस आप लोग देख सकते हैं। तो पूछा गया था 100 और 1000 के बीच में, और बोला गया था एक ऐसा डिजिट होना चाहिए जिसका 10th प्लेस में 1 हो। तो 110th में 10th प्लेस, जैसे कि मान लो यहाँ पे 1, 10, 100, 0 बोलते हैं ना, तो यहाँ पे 1, 10, 100 पोजिशन होते, मान लो कि ये 100 है तो 100 है, तो इस पोजिशन को बोला जाता है 1, इस पोजिशन को बोला जाता है 10, इस पोजिशन को बोला जाता है 100। तो 10th पोजिशन होता है ये सेकंड का, सेकंड में जो आता है उस पोजिशन को बोला जाता है 10th पोजिशन। तो 10th पोजिशन में 110th में 110th में जो सेकंड पोजीशन है, मतलब 10th पोजीशन में 1 है, 111th में 10th पोजीशन में 1 है, ऐसे ही यहाँ पे सारा अरेंज की गई है। तो यहाँ पे टोटल जो निकलता है वो 90 नंबर्स होता है जिसका 10th पोजीशन में 1 या डिजिट 1 आता है। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है कि अगर सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज एंड ऑल संडेज आर हॉलीडेज इन ए 30-day मंथ बिगिनिंग ऑन सैटरडे, देन हाउ मेनी वर्किंग डेज आर देयर इन दैट मंथ। बोला गया है कि अगर सेकंड और फोर्थ सैटरडेज और सारा संडेज अगर बंद होता हो, हॉलीडेज होता हो एक 30-day मंथ में, और बोला जाता है कि वो मंथ जो है, वो महीना जो है सैटरडे से स्टार्ट होता हो,
तो उस महीना में टोटल वर्किंग डे कितना होगा? मैं फिर से समझा देता हूं, एक पर्टिकुलर महीना है, वो महीना जो है उस महीने में 30 डे होता है, और बोला जा रहा है कि वो मंथ जो है सैटरडे से स्टार्ट होता है, मतलब पहला 1 तारीख जो है सैटरडे से स्टार्ट होने वाला है, और बोला गया है कि सेकेंड और फोर्थ सैटरडे जितना भी होगा उसमें, मतलब उस मंथ में सेकेंड और फोर्थ सैटरडे और सारा संडे जो है हॉलीडे रहेगा। तो एक 30 डे महीना में कितना दिन वर्किंग डे यहाँ पे होगा अगर इतना दिन बंद रहता है? तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, जैसे कि बोला गया है द मंथ बिगिन्स ऑन सैटरडे, बोला गया है कि मंथ बिगिन होता है सैटरडे को, तो सेकेंड, नाइन्थ, 16, 23rd, 30, ये जो है सारा दिन जो है संडे में पड़ेगा, क्योंकि पहला दिन अगर सैटरडे होता है तो दूसरा संडे में ही होगा, तो 9th डे जो होगा वो भी संडे में होगा, 16th डे वो भी संडे को पड़ेगा, 23rd, 30, जो ये पांचों जो है संडे को होगा, और तो 8वां दिन और 22वां दिन जो है सेकेंड और फोर्थ सैटरडे होगा, क्योंकि पहला तारीख को हो गया फर्स्ट सैटरडे है ना, तो 8 तारीख को फिर से सेकेंड सैटरडे आएगा और 22 तारीख को आएगा फोर्थ सैटरडे। तो यहाँ पे कितना बंद हुआ? यहाँ पे 5 बंद हुआ संडे के लिए और 2 दिन बंद हुआ, एक सेकेंड सैटरडे के लिए एक और फोर्थ सैटरडे के लिए एक, तो कुल मिला के 7 दिन हॉलीडे यहाँ पे होगा, 10, देयर आर 7 holidays इन ऑल। तो एक मंथ में यहाँ पे बोला गया था 30 डे का मंथ, 30 डे का महीना है, तो टोटल कितना रह जाएगा वर्किंग डे? तो टोटल रह जाएगा 23 डेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन बोल सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ अरेंज करने के लिए दिया गया है, तो आप लोग जैसे के लिए बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसी जॉब का जो अप्लाई करते हैं, जो प्रोसेस होता है एक जॉब मिलने के लिए प्रोबेशन पीरियड तक, तो उसको ही अरेंज करना है, ये तो आसान काम है हमारे लिए। तो पहले जो होता है एडवर्टाइजमेंट इश्यू की जाती है, उसके बाद एप्लीकेशन हम फॉर्म जो भरते हैं है ना, तो उसके बाद एग्जाम या इंटरव्यू होता है, उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद ही जाके अपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड होता है, जब 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 आप लोग ज्वाइन करते हैं तो प्रोबेशन पीरियड पहले होता है, तो ये अरेंजमेंट होता है, टोटल प्रोसीजर जो है इस प्रोसीजर में जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 5, 6, 2, 3, 4, 1, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे सवाल 80वां क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया है इन ए सिटी 40% ऑफ द एडल्ट्स आर इलिटरेट व्हाइल 85% ऑफ द चिल्ड्रन आर लिटरेट, इफ द रेशियो ऑफ द एडल्ट्स टू दैट ऑफ द चिल्ड्रन इज 2:3 देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग फिर से एक बार पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए सॉल्यूशन में जाने से पहले। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं, लेट द पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन बी 2x एंड 3x रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन होगा 2x+3x=5x। तो यहाँ पे बोला गया था 40% ऑफ द एडल्ट्स आर इलिटरेट, मतलब क्या हुआ, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ लिटरेट एडल्ट्स इक्वल टू 100% माइनस 40% इक्वल टू 60%, मतलब 60% रह गया जो एडल्ट है वो लिटरेट है, क्योंकि बोला गया था 40% ऑफ द एडल्ट्स आर इलिटरेट, तो कितना रह गया लिटरेट वाला है, तो लिटरेट वाला जो है 60% रह गया, और फिर से बोला गया था परसेंटेज ऑफ लिटरेट चिल्ड्रेन इक्वल टू 85%। तो अगर इस इक्वेशन में हम इस जो पूरे स्टेटमेंट को अरेंज कर सकते हैं, तो इस स्टेटमेंट में जो दिया गया है कंडीशंस और वैल्यूज, तो इसके इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमको मिलता है 75%, 75% मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 81वां क्वेश्चन, यहाँ पे हालांकि ये सवाल बहुत आसान लगता है लेकिन बहुत लोग इसको भी गलती करके आए हैं एग्जाम में, तो देखते हैं क्या है। अब ए हिल विल एलवेज है, तो एक जो हिल होता है उसमें हमेशा हमेशा के लिए क्या रहता है? तो पहला ऑप्शन है ट्रीज, दूसरा ऑप्शन है एनिमल्स,
तीसरा ऑप्शन वाटर, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में है हाइट, ऊंचाई, तो हर एक हिल का ऊंचाई रहता है, तो आसान है सवाल वैसे हाइट। यहाँ पे 82 का क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से एक ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन मान सकते हैं आप। बोला गया है कि एक पर्टिकुलर एक टाउन टाउन का अगर पॉपुलेशन 2 ईयर्स पहले 6 to 500 रहता है, और माइग्रेशन के कारण इस मतलब टाउन से माइग्रेशन हो जाने के कारण इस टाउन में हर साल 4% पर ईयर मतलब 4% पर एनाम के रेट में डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, तो 2 साल बाद, ये तो 2 साल पहले का बात किया जा रहा था, 2 साल पहले 6 to 500 पॉपुलेशन हुआ था इस टाउन में, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इस टाउन का कितना होगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है इस जो क्वेश्चन में, तो पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 ईयर्स अगो इक्वल टू 6 to 500, और बोला गया था रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर इक्वल टू 4%, तो हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है द प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया था पॉपुलेशन डिक्रीज पर ईयर इक्वल टू 6500 बाय 100 इनटू 4 मतलब 4% दिया गया है, तो 4% कितना होता है 2500, तो पॉपुलेशन डिक्रीज कितना होगा आफ्टर 2 ईयर, तो यहाँ पे होगा 500, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन यहाँ पे हो गया 6 to 500, यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे 6 to 500 माइनस 5000 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे निकलता है 5750, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रोसीजर से अगर आप लोग करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में, इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग में आता है 5750, जो कहीं भी ऑप्शन में ये 5750 नहीं है, तो ये हुआ, ये प्रोसीजर गलत है। ये प्रोसीजर आप लोगों के लिए इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत लोग ने इस फॉर्मूला को एडॉप्ट करके मतलब आंसर निकालने के लिए कोशिश की और आखिर में ऑप्शंस में नहीं था और बोलने लगा कि ये क्वेश्चन जो कि गलत है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, मैं दिखा दूं आपको कैसे गलत नहीं होता है। तो इस जो न्यूमेरिकल है इसको इस फॉर्मूला से ऐसे नहीं करते हैं, ये गलत तरीका है, तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन आपको बता देते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं, ये करेक्ट सॉल्यूशन है। तो गिवन जो दिया गया था 6 to 500 पॉपुलेशन 2 ईयर्स बिफोर जो दिया गया था 2 ईयर्स अगो, तो रेट ऑफ डिक्रीज 4% लिखा गया था, तो पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स का इसका जो फॉर्मूला है ये है पी होल 1 माइनस आर बाय 100 होल टू द पावर एन। यहाँ पे पी मतलब क्या समझाता है, पी मतलब पॉपुलेशन, एन ईयर्स बिफोर और एगो, और आर मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, तो हमारे हाथ में क्या है पॉपुलेशन, हमारे हाथ में जो 2 ईयर्स एगो 2 ईयर्स बिफोर 2 साल पहले जो पॉपुलेशन था वो था 6 to 500, तो हमारा रेट था 4, तो यहाँ पे हमने आर की जगह पे 4 बिठा दिया, तो सारे जो वैल्यूज है उसको बिठाने के बाद हमको मिलता है 5760, मतलब अब प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है 5760 होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी जो कि 5760। तो ये दूसरा वाला जो प्रोसीजर है ये करेक्ट प्रोसीजर है इस एप्टीट्यूड को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन ये है, तो पूछा गया है कैल्शियम कार्बाइड के बारे में, कैल्शियम कार्बाइड जो है जो आम है उसको पकाने में हेल्प करता है, तो बहुत सारे मर्चेंट्स जो है व्यापारी जो है इस कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड को यूज करके आम को पकाते हैं, तो इसमें पूछा गया है कौन कैल्शियम कार्बाइड किस तरह से आम को पकाते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने रिएक्शन भी दे दिया मैंने, रिएक्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड कैसे रिएक्ट करता है H2O के साथ, उसके बाद यहाँ पे इथाइन फॉर्म करती है जो कि आम को पकाने में हेल्प करती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कैल्शियम कार्बाइड जो है मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है H2O के द्वारा, मॉइस्चर मतलब H2O यहाँ पे, तो क्या करता है जब कैल्शियम कार्बाइड मॉइस्चर से रिएक्ट करती है वाटर से, तो क्या होता है रिलीज करती है इथाइन, इथाइन मतलब ये C2H2, तो C2H2 इथाइन जो है रिपेंड करता है, मैंगो को पकाता है, आम को पकाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से साइंस का क्वेश्चन है,
पूछा गया है कि नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन का जो है वो रिफ्लेक्ट करती है मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर ट्री। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो। लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो जो कि सबसे ज्यादा जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पे ज्यादा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है कैसे रिफ्लेक्ट करती है जो स्नो कवर होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया है बायो फर्टिलाइजर के बारे में। बायो फर्टिलाइजर यहाँ पे वैसे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सारे जो है राइजोबियम एजोटोबैक्टर ब्लूग्रीन एल्गी सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर है। इसके बारे में आप लोग बायो फर्टिलाइजर क्या है, क्या चीज है, इसको कहाँ यूज किया जाता है, सब यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अब करंट अफेयर्स का यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2017 का पूछ लिया गया था, हालांकि एग्जाम जो हुआ था 2018 का जो प्रीलिम्स हुआ था वो हुआ था 30 ऑफ दिसंबर, दिसंबर का 30 को हुआ था 2018 में। यहाँ पे पूछा गया है 19 ऑफ अक्टूबर 2017 का, तो मतलब एक साल से भी ज्यादा पहले का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में सिर्फ आप लोग एक साल का देख के यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे एक साल से पहले का भी यहाँ पे करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे पूछा गया था विच कंट्री हैज अप्रूव द मेडिकल एंड थेरेप्यूटिक यूज ऑफ द कैनाबिस एंड इट्स डेरिवेटिव्स ऑन 19 अक्टूबर 2017। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है पेरू। यहाँ पे आप लोग न्यूज पेपर में भी देख सकते हैं, मैंने ये पे द हिंदू से यहाँ पे उठा के आप लोग के लिए दे दिया है। यहाँ पे पेरू अप्रूव्स मेडिकल मेडिसिनल यूज ऑफ मरिजुआना, ये न्यूज आया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन फिर से पूछा गया है बर्मी कंपोजिटिंग के बारे में। बर्मी कंपोजिटिंग के बारे में पूछा गया है, तो बर्मी कंपोजिटिंग किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है वर्म्स के द्वारा। यहाँ पे बर्मी कंपोजिटिंग क्या क्या है, क्या है इसके बारे में आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट्स लाइट इन टू फूड इज कॉल्ड। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है लाइट को फूड में कन्वर्ट करते हैं, ये तो हम लगभग एलपी स्कूल से पढ़ के आए हैं तो सब लोगों को पता होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो है अपना खुद अपना फूड बनाती है सनलाइट से। तो यहाँ पे करेंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन मान सकते हैं साइंस एंड टेक का। तो यहाँ पे पूछा गया है भारत का फर्स्ट ऑल वेदर ट्रैक्ट चासिस QRSAM stand for QRSAM का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। यहाँ पे जो DRDO के द्वारा यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट की गई थी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से 2017 का जो करंट अफेयर्स था उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो विच ऑर्गेनाइजेशन वाज द लीड एजेंसी फॉर द बिम्सटेक DMEX 2017। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो वो लोग देते हैं न्यूज, तो वहां से मैंने उठाया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल्स में लिखा गया है। तो डिजास्टर एक्सरसाइज जो हुआ था इसके बारे में यहाँ पे मेंशन की गई है, यह बिम्सटेक का जो होता है, तो यहाँ पे नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के द्वारा लीड की गई थी ये एक्सरसाइज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे पूछा गया है वर्ल्ड प्रेस कर्टन अवार्ड्स 2018 के बारे में, कौन सा जो भारतीय है उनको ये प्रेस कर्टन अवार्ड्स 2018 से नवाजा गया था। करेक्ट आंसर है थॉमस एंटोनी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं ये न्यूज जो आया था 30 ऑफ मई 2018 को ये न्यूज आया था, तो इसके बारे में आप लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं ये इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया है GICF का फुल फॉर्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ
अंडर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है जापान इंडिया कोऑर्डिनेशन फोरम फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं, ये भी 2017 में आया था सामने, तो कहीं ना कहीं एक साल पहले का न्यूज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो विच कंट्री हैज सेलिब्रेटेड 25th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद इंडिया इन 2017। देखिए 2018 में एग्जाम हुआ था, 2018 के आखिर में ये जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, तो ये 2017 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी एक साल पहले। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है इसराइल, हालांकि यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसराइल। इसराइल के साथ हमारा 25th ईयर हुआ था डिप्लोमेटिक टाइज का 2017 में, तो इसके बारे में आप लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं, ये फरवरी 2017 में ये न्यूज आया था। तो यहाँ पे इसके बारे में आप लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से सिटी में भारत का पहला ई कोर्ट ओपन की गई थी या किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट जो है वो है हैदराबाद। हैदराबाद में भारत का पहला ई कोर्ट ओपन किया गया है, करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पूछा गया एसबीआई और एसबीआई का जो जापान डेक्स के बारे में, तो एसबीआई हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट कॉर्पोरेट्स लुकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, व्हाट इज इट कॉल्ड एज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है जापान डेक्स। तो ये न्यूज पेपर में भी आया था, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं, ये आया था जनवरी 19, 2018 को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 103 इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में पूछा गया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5E का एक फॉर्मूला दिया था, वो कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे दिया गया था, जैसे कि देख सकते हैं ये द हिंदुस्तान टाइम्स में ये न्यूज आया था 30th of December, ये 2018 का ये डेट नहीं है, वैसे ये न्यूज आया था जनवरी 3, 2016 को। देखिए 2016 में जो आया था उससे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, हालांकि 2018 में जो इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था वो 105th था, जो कि मणिपुर में हुआ था, ये 103rd जो इंडियन कांग्रेस हुआ था उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया। तो 5E's क्या है, मोदी के द्वारा जो दिया गया था वो है इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एनर्जी, एम्पैथी एंड इक्विटी। तो हमारा ऑप्शन में जो हो गया ये है इकोनॉमी एनवायरमेंट, जहां पे है इकोनॉमी एनवायरमेंट एनर्जी एम्पैथी एंड इक्विटी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया एक एक्सरसाइज के बारे में, तो बोला गया कि चाइना और इंडिया के बीच एक 5th एनुअल एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज किया गया था, तो वो कौन सा चाइना की सिटी में ये कंडक्ट की गई थी, वो की गई थी कुनमिंग एक चाइनीज सिटी में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे न्यूज पेपर में देख सकते हैं, ये जुलाई को आया था ये न्यूज, जुलाई 2018 को ये कुनमिंग जो यहाँ पे न्यूज पेपर में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में पूछा गया है, कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ लिंक अप की है डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के लिए, वो डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जो है वुमेन के लिए किया गया है। तो यह करेक्ट आंसर हो जाता है फेसबुक, जैसे कि आप लोग न्यूज पेपर में देख सकते हैं, ये न्यूज जो आया था May 30, 2018 को आया था ये न्यूज पेपर में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जीडीपी के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो भारत का जीडीपी है वो फोरकास्ट की गई थी 2018 के लिए मोडीज इन्वेस्टर्स सर्विस रिपोर्ट के द्वारा, जिसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2018-19। तो भारत का जीडीपी को कितना वो जो है फोरकास्ट किया गया था 2018 के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे न्यूज पेपर में देख सकते हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स का जो न्यूज़पेपर में ये आया था, तो यहाँ पे मोडीज का जो ग्रोथ फोकस किया गया था भारत के 2018-19 के लिए वो था 7.5%, तो 7.5% फोरकास्ट की गई थी मोडीज के द्वारा। तो यहाँ पे आंसरिंग में नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में से नहीं है, तो आप लोग इस
क्वेश्चन को गलत बोल सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। 100 क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोफ्यूसली इलस्ट्रेटेड ट्रीटीज ऑन इलेफेंट्स दैट एट 1734। कौन सा जो किताब बोल सकते हैं वो इलेफेंट्स के बारे में लिखा गया था 1734 AD में। तो ये है करेक्ट आंसर हस्ती विद्यार नबा में इलेफेंट्स के बारे में लिखा गया है। इसके बारे में आप लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं, ये लिखा गया था सुकुमर बोरकॉइट के द्वारा। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं तो ये इस वीडियो को आप लोग उन लोगों से जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको फायदा हो जाए। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले लेक्चर्स का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय आए अहोम।